उत्तराखंड में दीपावली के 11 दिन बाद यानी एकादशी के दिन एक लोक पर्व मनाया जाता है, जिसे गढ़वाल में इगास, बगवाल और कुमायूं में बुढ़ दिवाली कहा जाता है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी पिछले कई सालों से इस लोक पर्व को मनाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और अभियान चला रहे हैं। एक बार फिर वीडियो संदेश के जरिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के लोगों से बढ़ चढ़कर इस लोक पर्व को मनाने की अपील की कि दिवाली के 11वें दिन एकादशी के दिन यानी कि इस वर्ष 25 नवंबर को इगास या हमारे कुमाऊं में जिसको बुढ़ दिवाली कहते हैं मनाई जाएगी। पिछले वर्ष मैंने ये कहा था कि मैं इगास का त्यौहार अपने गांव में जाके मनाऊंगा, लेकिन दुर्भाग्य से मैं अस्वस्थ हो गया। मैंने फिर भी देखा कि बड़ी संख्या में लोगों ने इगास का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया। मित्रों, इस बार 25 नवंबर को इगास का त्यौहार है। मेरा प्रत्येक उत्तराखंडियों से आग्रह है कि वह अपनी उत्तराखंड की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के लिए इगास का त्यौहार मनाए, अपने घरों में दिए जलाएं और अपने स्वजनों के साथ इगास या बुढ़ दिवाली उत्साह के साथ मनाएं। वहीं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की इस मुहिम को उत्तराखंड में बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है। देहरादून के रहने वाले और बॉलीवुड के उभरते कलाकार राघव जुलियाल ने भी प्रदेश के लोगों से अपील करते हुए कहा कि इगास को अच्छे से मनाएं और अपने गांव जरूर जाएं। इस बार की एकादशी एकादशी या जो भी आप अपनी अपने गांव की साइड आप बोलते हैं, वो अपने गांव में मनाइए यार। गांव की रौनक वापस लुटाइए, अच्छा लगेगा। गांव में वो बच्चे खेल रहे हैं, रंगोलियां सज रही हैं, पकवान बन रहे हैं अलग अलग तरीके के, तो गांव जाके बनाइए यार, जहां पर भी उत्तराखंड में आपका गांव है। क्योंकि छोटी दिवाली आप बना लेते हैं, दिवाली भी लोग बना लेते हैं, बूढ़ों को मत भूलिए, बूढ़ी दिवाली भी अच्छे से मनाइए अपने। गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी उत्तराखंड के पहाड़ों में लोक पर्व के तौर पर मनाए जाने वाले इगास बगवाल को लेकर लगातार अभियान चलाते आ रहे हैं। उन्होंने कोविड-19 के चलते लौटे लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो अपने अपने गांव में इस लोक पर्व को एक बार जरूर मनाएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।